शहर के बीचों बीच वायु प्रदूषण मापने वाला एक छोटा सा सेंसर। ये उपकरण केन्या की राजधानी नैरोबी में रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने में मदद कर सकता है। पेट्रोल से चलने वाली पुरानी मोटरसाइकिलें और डीजल से चलने वाली मिनीवैन, जिन्हें मटाटू कहा जाता है, शहर की खराब वायु गुणवत्ता के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। शहरी नियोजन के पैरोकार हम्फ्री ओटिनो दशकों से नैरोबी में रह रहे हैं। वो शहर को हरा भरा बनाने के लिए शहरी प्रशासन और संयुक्त राष्ट्र की एक साझा परियोजना के लिए काम करते हैं। वो खासकर राजधानी की सड़कों पर जाम की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। वो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं, लेकिन जितने भी रास्ते हैं वो सभी शहर में आकर मिलते हैं, इसलिए वो सब शहर में ही आते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इससे शहर में काफी प्रदूषण फैल गया है। उनके संगठन ने सर्वे में पाया कि जिन इलाकों में मटाटू चलते हैं वहाँ ब्रोंकाइटिस की दर ज्यादा है। हालांकि प्रभावित लोगों से इतना ही पता चलता है। पूरे शहर के लिए नीतियां निर्धारित करने के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत है, जो फिलहाल केन्या सरकार के पास नहीं है। यहीं पर काम आता है सेंसर्स अफ्रीका संगठन। ये पर्यावरण निगरानी और क्लाइमेट एक्शन जांचने के लिए उपकरण तैयार करता है। अफ्रीकी शहरों और आमतौर पर अफ्रीका के पास वायु गुणवत्ता डेटा नहीं है, और इसके कारण हमारे यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर लगातार भयानक होता जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम असल डेटा इकट्ठा करें, ताकि इसकी तुलना कर सकें और देख सकें कि क्या स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सेंसर महंगे हैं। ये वो समस्या है जिसे हल करने के लिए एलिसिया ओलागो की इंजीनियरिंग टीम कड़ी मेहनत कर रही है। हम इसे कम लागत वाला वायु गुणवत्ता मॉनिटर कहते हैं, और ऐसा इसलिए है कि ये रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता है, जिसकी कीमत दसियों हजार अमेरिकी डॉलर होती है। इसका बाहरी ढांचा 3D प्रिंटिंग से बना है, और टीम अपने डिजाइनों के ब्लूप्रिंट मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध करवाती है। नागरिक वैज्ञानिक बिना किसी शुल्क के कानूनी तौर पर डिवाइस की प्रतिकृति बना सकते हैं, जिससे लागत 300 यूरो से भी कम हो जाएगी। कमर्शियल खरीद के लिए उपलब्ध रेफरेंस ग्रेड मॉडल की कीमत करीब 100 गुना ज्यादा हो सकती है। नैरोबी के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए सेंसरों की निगरानी और रखरखाव के लिए टीम अक्सर दौरा करती रहती है। अब शहर के बहुत से लोग इन उपकरणों के लिए आग्रह करने लगे हैं। गिडियन मोरा भी उनमें से हैं। इन्होंने अपने परिसर के ऊपर मौजूद रेस्तरां के प्रबंधक से एक सेंसर लगाने को कहा है। ज्यादातर समय आप देखेंगे कि हमारे कर्मचारी सीने में दर्द से परेशान रहते हैं, उन्हें बहुत खांसी होती है, उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। अब हम अधिकारियों के सामने डेटा पेश कर सकते हैं, ताकि हमारे पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबूत हों। हमने नैरोबी काउंटी को ध्वनि प्रदूषण के बारे में, यहाँ की गंदगी, यहाँ के धुएं के बारे में पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस डेटा कलेक्शन के जरिए शायद हमारे पास उन्हें साबित करने के लिए कुछ हो सकता है। इस तरह के सेंसर एक खास इलाके में हवा की गुणवत्ता की साफ तस्वीर पेश कर सकते हैं, लेकिन इससे शहर में वायु प्रदूषण से निपटने में क्या मदद मिलेगी? संयुक्त राष्ट्र का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कार्यक्रम इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह देने की बात कहता है। एलेक्स क्यूर्नर कहते हैं कि पारंपरिक कंबशन इंजन को छोड़ने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है, और दोपहिया वाहनों से इसकी शुरुआत हो सकती है। 20 साल पहले केन्या में लगभग कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। अब हमारे पास करीब 20 लाख मोटरसाइकिलें हैं। हर साल 2.5 से 3 लाख मोटरसाइकिलें जुड़ती गईं। अगर आप इन्हें इलेक्ट्रिक बनाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में निश्चित तौर पर कमी आएगी। केन्या में तरक्की हो रही है। यहाँ अब एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टैक्सी फ्लीट भी है। सरकार ने भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में 1 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन केन्या की सड़कों पर हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ सवारी कर सकें, और फिर शायद वायु गुणवत्ता मापने वाले सेंसरों की जरूरत ही ना पड़े।